दसवीं अपनी रतुल इहतराम के साथ हदीये दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर पढ़े बाबा से हरम अल्लाह सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, सिर्फ मेरी आवाज लगी हुई है पर कहीं मना चूंकि पीछे की फरमाइश थी इसलिए आपके बीच हमें आना पड़ा था। थोड़ी देर साथ यदि चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे वह पहाड़ जितना सोना देता तो मैं हुजूर पाक की मिलाद पाक पे खर्च कर देता। हम और आपकी खुशनसीबी है कि अपने घरों में बसने मिलादुन नबी सजाते हैं। क्यों? एक शायर ने कहा है कि गली कूचों को सजाओ सरकार आ रही है। जरा सा बोलिएगा तो ना, गली कूचों को सजाओ सरकार आ रहे हैं, अब मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। गली कूचों को सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं। और एक शेर दे रहा हूँ हजरात भाई के, आशिक ने गारे खौर में आशिक से ये कहा, समझिए कहा गारे खौर में आपको लेके चल रहा हूँ। आशिक ने गारे खौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। और लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल में सुन्नी जमात वाले बड़ा मिलाद करते हैं, हम सिर्फ 12वीं में मिलाद नहीं करते। हम कोई नया मकान बनाते हैं तो भी अपने नबी की जिक्र अपने घर में सजाते हैं। जब कोई मर जाता है फिर भी मिलाद नबी पढ़वाते हैं। इसलिए बरेली के ताजदार नस्ल के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमें जहन दे दिया है कि खाक हो जाए अदू जल कर मगर हमको रजा, दम में दम तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और फिर फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारिस नज देते हैं मिलाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे मिलादुन नबी, नारे मिलादुन नबी। तहकीक अभी हाफिज अब्दुल गनी साहब ने आपको समझाया भी जुलूस क्या है। बज़्मे मिलादुन नबी में हम हरे झंडे क्यों लगाते हैं, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत कीजिए आप और जहन पे जोर दीजिए, मेरा रसूल लाजवाब एक शायर ने कहा है कि है कितना हसी अहमद मुख्तार का चेहरा। है कितना हसी अहमद मुख्तार का चेहरा, सरकार का चेहरा।
कुर्बान जाऊं। अल्लाह ने अपने नबी को नूर बनाकर इस दुनिया में भेजा। अब मुस्तफा तशरीफ लाए तो कब लाए? आज हमें हीरो का नाम याद है, कौन क्रिकेटर ने कितना रन बनाया वो याद है, लेकिन नौजवानों से पूछे थे नबी की वालदा का नाम क्या था, तो नौजवान कहता है मौलाना ये सब झोल झाल में हम लोग हैं, और खास करके हमारी बिरादरी हो। एक पराइनी के ताज था वो अहमद रजा खान थे कि पूरी दुनिया में उनका नाम लिया जा रहा था। क्यों? उनके दिल में इश्के रसूल का चिराग जलता था। लेकिन कुर्बान जाऊं 12 रबीउल अव्वल दिन दो शब्बा सुबह सादिक के होकर नबी तशरीफ लाए। एक बद अब्दुल्ला ने सवाल किया जो चाहूंगा, अल्लाह जब अपने महबूब को भेजना था तो दिन के उजाले में भेजता या रात की तारीकी में भेजता? जब सारी दुनिया सो रही है नबी